मॉर्निंग क्लास LKG, दिस इज योर इंग्लिश पीरियड. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 18. फोनिक साउंड आई. फोनिक साउंड ऑफ आई, पेज नंबर 1818. स्टार्ट करते हैं रीड करना. यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, आई. I is the ninth letter of the English alphabet. यानी जो I है वो नंबर 9 पे आता है English alphabet. English alphabets जो हम आपको A से लेके Z तक आप letters लिखते हैं, ABCD, उसको alphabets कहते हैं. ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं. तो पहले तो इस लाइन को हम क्लियर कर लेते हैं. ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, और ए से लेके जेड तक जो ए टू जेड लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं. और यहाँ ये देखिए, ए से लेके जेड तक मैंने लेटर्स लिखे और साथ में मैंने नंबरिंग भी कर दी ताकि आपको मैं समझा सकूँ. ए लेटर 1 नंबर पे आता है, पहले ए आएगा. सेकेंड नंबर पे बी है, नंबर 2 पे. 3 नंबर पे सी है, 4 नंबर पे डी, 5 नंबर पे ई, 6 नंबर पे एफ है, 7 नंबर पे जी, एच है 8 नंबर पे, और 9 नंबर पे है आई. आपकी बुक में यही लिखा था ना कि 9 नंबर पे आई आ रहा है, तो इसलिए इस तरह से मैंने आपको शो कर दिया यहाँ पे. ये देखिए, 26 लेटर्स होते हैं और 26 तक नंबरिंग कर दी है मैंने. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. 26 लेटर्स हैं और 26 ये नंबरिंग भी मैंने कर दी. आई नंबर जो है, लेटर है, वो नंबर 9 पे आ रहा है. तो अब हम बुक की तरफ आते हैं. बुक में ये फर्स्ट लाइन मैंने क्लियर कर दी आपको नोटबुक में दिखा करके कि आई 9 नंबर पे कैसे आ रहा है. उसके बाद आज हम फोनिक साउंड आई के बारे में यहाँ पे आई पढ़ेंगे. यहाँ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं और कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं पिक्चर के नीचे. जैसे यहाँ लिखा है KIT, किट. ये किट है, उसमें टूल बॉक्स है. ये किट, KID, किड. ये बच्चा है, किट. NIB, निब. KITE, काइट. काइट मतलब पतंग, सबको मालूम है. FISH, फिश, यानी मछली. FIG, फिग. फिग ये फ्रूट है. LION, लायन. BIN, बीन. SHIP, शिप. तो ये आई लेटर जो है उससे बने हुए वर्ड्स हैं जो हमने आज यहाँ पे पढ़े. ठीक उसके नीचे रीड द फॉलोइंग वर्ड्स. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स में आप ध्यान से देंगे तो देखिए यहाँ पे एरो बने हैं 3 और लाइंस हैं 3. पिंक, सॉरी, येलो, लाइट, ये पर्पल है, ग्रीन. फर्स्ट येलो लाइन में IN है, फिर IG और यहाँ IP. IN हर जगह, यहाँ जितने वर्ड्स लिखे हैं सब में IN है. और आगे एक लेटर लिख के वो वर्ड कंप्लीट हो रहा है. जैसे IN लिखा हुआ है, P लगाने पे हो गया पिन. IN लिखा हुआ है, B लगाया बीन. T लगाया IN के आगे, टीम. WIN, विन. RIN, रिन. इसी तरह से IG
लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे एक एक लेटर लगाते जाएंगे तो एक एक वर्ड कंप्लीट होता जाएगा। एफ आई जी फिग, बी आई जी बिग, डी आई जी डिग, आर आई जी रिग, एम आई जी मिग। थर्ड नंबर लाइन पे आई पी, आई पी हर वर्ड में यूज हो रहा है, आगे एक लेटर लगाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा वर्ड। एल आई पी लिप, जेड आई पी जिप, डी आई पी डिप, एस आई पी सिप, एच आई पी हिप। आज हमने लेसन फोनिक साउंड ऑफ आई यहाँ पे समझा, पेज नंबर 18 पे। अब अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, नोटबुक में फोनिक साउंड ऑफ आई मेंशन करेंगे, पेज नंबर 18 से वर्क करा रहे हैं हम। डेट मेंशन करेंगे जिस डेट में आप वर्क कर रहे हैं, उसके बाद नंबर्स डालेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ ऊपर मैंने लिखा है 10। आपकी बुक पेज नंबर 18 में जो भी हमने यहाँ पे ये वर्ड्स आपको पढ़ाए हैं, ये वर्ड्स आप यहाँ अपनी नोटबुक में लर्न करके हमने लिखना है। तो मैं लिख रही हूँ, साथ साथ लिखें। नंबर 1 पे वोवेल साउंड, ये जो फोनिक साउंड आई है इससे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। नंबर 1 पे के आई डी किड, के आई डी किड। नंबर 2 पे मैं यहां लिख रही हूं एन आई बी निब। 3 नंबर पे एस एच आई पी शिप। 4 नंबर पे मैं लिख रही हूं यहां पे बी I N bean। 5 नंबर पे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे F I S H fish। 6 पे हम लिखेंगे P I N pin। 7 पे मैंने लिखा लिप। 8 पे यहां मैं लिखूंगी जिप, जेड आई पी जिप। 9 पे हम लिखेंगे यहां पे सिप, एस आई पी सिप। और 10 पे मैं यहां लिखने जा रही हूं लायन, एल आई ओ एन लायन। तो ये मैंने लिखा है यहां पे फोनिक साउंड ऑफ आई के 10 वर्ड्स। आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखना है, 10 वर्ड्स लिखेंगे हम, लर्न करेंगे। बाय बच्चों।